प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम संविधान के भाग दो का अध्ययन करेंगे। इसमें भाग दो में नागरिकता संबंधी उपबंधों का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य विस्तृत है। नागरिकता की अवधारणा का विकास इस प्रकार हुआ है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता पर चर्चा करते हुए कहा है कि जन्म निवास को नागरिकता का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। नागरिकता का आधार विधायी व न्यायिक कार्य में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इसी प्रकार मध्ययुगीन विचारक मार्सिलियो पैडुआ, दांते, मेकाइवली जैसे विचार कहते हैं कि नागरिकता का आधार राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए। इसी प्रकार T.H. मार्शल अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इन 1949 में कहते हैं कि नागरिक वह व्यक्ति है जिसके पास राजनीतिक अधिकार है। एंथनी गिडेंस इसके अनुसार नागरिक के पास राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक अधिकार भी होने चाहिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नागरिकता किसी देश के निवासियों को परिभाषित नहीं करती, बल्कि किसी भी देश के नागरिकता संबंधी प्रावधान उसके राष्ट्रीय चरित्र का निर्धारण करते हैं। नागरिकता और भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे। संविधान लागू होने पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा था तथा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी रहा है भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले उन लोगों को नागरिकता का अधिकार होगा जो 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मा हो, 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया हो तथा जिन्होंने संविधान लागू होने से पहले नागरिकता पंजीकरण आवेदन किया हो तथा 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है। तो इस प्रकार पाकिस्तान से जो भारत आने वाले व्यक्ति थे उनको भी नागरिकता दी गई है, उसकी ये शर्तें जोड़ी गई है जो आपके सामने हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 7 में जो पाकिस्तान को गए यहाँ से कुछ व्यक्ति उनको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में रहता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अर्थात 1 मार्च 1947 से पहले कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान जा रहा है और वापस आ जाता है तो भारत का नागरिक हो सकता है। अनुच्छेद 8 यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज पितामह 1935 के भारत में जन्मा हो तथा विदेश में रह रहे हो तो उसे आवेदन करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं रह रहा हो। अनुच्छेद 9 यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अर्थात कोई भी भारत का नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 इसमें प्रावधान है कि गैर कानूनी ढंग से किसी व्यक्ति से नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। अर्थात कोई भी सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती, इसके लिए विधायी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 11 संसद का नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय किए जाने का अधिकार है। इस दिशा में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 2003 तथा 2015 पारित किए। अभी 2019 में एक नया नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया है जिसके बाद में काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं, तो इसका हम विशद अध्ययन आगामी क्लास में करेंगे। धन्यवाद।